हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आर्यन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत हो और मैं मनोज कुमार सिंह, राइट। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम क्लास ट्वेल्थ का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं। तो इस समय जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो डिटरमिनेंट, मैट्रिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम जो ले रहे हैं वो डिटरमिनेंट, राइट ना। और डिटरमिनेंट का इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। अब इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ेंगे, राइट ना, और जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक, JEE एग्ज़ाम के लिए। ज़्यादातर जो डिटरमिनेंट के क्वेश्चन बनते हैं वो प्रॉपर्टीज़ पे ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में आप प्रॉपर्टीज़ को कॉन्सनट्रेट होकर पढ़िए, राइट, और उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दिए, ठीक है। देखिए डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चन होते हैं, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन बनेगा आपसे, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो एक एक प्रॉपर्टी को बच्चों हम ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, पहली प्रॉपर्टीज़, राइट। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ अगर हम बात करें, इफ़ द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज्ड, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेंस अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है। ओके, तो अगर इसके रो जो कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स ये ऑलवेज क्या होता है, अनचेंज होता है। अनचेंज मतलब वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वही रहती है जो पहले थी, राइट। जैसे देखो अगर हम यहाँ से ले लें, सपोज A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, राइट, ठीक। अच्छा देखो, अगर रो जो कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें, ठीक, यानी देखो ये रोज है, रोज को हम कॉलम में लिख दें या कॉलम को हम रोज में लिख लें, देखो ऐसा, C1 C2 C3, देखो, ठीक। तो देखो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, जब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आप फाइंड आउट करोगे ना तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इसकी रीजन समझ रहे हो, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, किसी भी रो या कॉलम को हम सॉल्व करते हैं, राइट ना, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मिलता है। अब तुम सोचो यहाँ से, जैसे मान लो हम इस रो को लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू आपको जो मिलेगी, ठीक, सेम वही वैल्यू आपको मिलेगी जब आप इस कॉलम को लेकर सॉल्व करोगे, देखो ऐसा, ठीक, सेम टर्म्स आपको मिलेंगे। देखो यहाँ से अगर आपको लोगे ये मिलेगा, ठीक, यहाँ पर देखो इसको लोगे, देखो ये मिल रहा है सेम, ठीक। अब देखो A2 को अगर लोगे तो देखो ये मिलेगा, राइट ना, A2 को अगर सॉल्व करोगे कैसे लेते हो दिस, राइट। अब देखो यहाँ A2 को लोगे तो देखो B1 C3 एंड B3 C1, राइट ना, ठीक, तो सेम वैल्यू आपको मिलेगी। तो अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। चलो सेकेंड लेते हैं यहाँ से, सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, राइट, ध्यान देना, इफ टू रोज एंड टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक, देन देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड, राइट ना। देखो इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड, ठीक। साइन का मतलब अगर डिटर्मिनेंट की साइन प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, राइट, कब, व्हेन टू रोज और टू कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे, ठीक है। सो देखो जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ से, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
राइट इक्वल टू, देखो यहाँ से अब ये है ना यहाँ पर राइट। अब चलो जैसे मान लो अगर हम ले आए यहाँ पर, सपोज करो अगर हमने ऐसे कर लिया आर वन को इंटरचेंज कर दिया आर थ्री से, ध्यान दो ठीक है बच्चों, ध्यान दो आर वन को आर थ्री से इंटरचेंज कर, देखो दिस इज आर वन राइट आर वन और ये क्या है आर थ्री। सो अगर हम आर वन को आर थ्री से चेंज करेंगे यहाँ पर तो इस डिटर्मिनेंट की क्या हो जाएगी साइन चेंज हो जाएगी, देखो पहले यहाँ पर क्या है प्लस साइन, अब ये माइनस साइन हो जाएगा तो दैट इज माइनस ठीक। चलो अब ये आर थ्री इधर और आर वन देखो इधर, दैट इज द सी वन सी टू सी थ्री ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, देखो ऐसा ठीक है ओके। अब इसी तरह देखो कॉलम में भी, चलो कॉलम में भी अगर मान लो ऐसे ले लो जैसे यहाँ पर देखो अगर हम ले लें ठीक, अगर हम मान लो कर लें यहाँ पर सी वन, सी वन को इंटरचेंज कर दें राइट ना, इंटरचेंज कर लें यहाँ पर किससे कर लेते हैं सपोज करो सी टू से ठीक। तो अगर देखो सी वन, सी वन कौन सा है ये, दिस इज सी वन दिस इज द सी टू राइट, इसको इंटरचेंज कर दो तो इंटरचेंज कर दो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन माइनस राइट। सो ये हो जाएगा आपका ए टू बी टू सी टू ए वन बी वन सी वन और ए थ्री बी थ्री सी थ्री, देखो ऐसा ठीक है। सो देखो ये डिटर्मिनेंट था, इसमें हमने आर वन आर थ्री इसको इंटरचेंज कर दिया, टू रोज को इंटरचेंज कर दिया तो क्या हो गया माइनस साइन हो गया। अब यहाँ पर देखो ठीक, यहाँ पर हमने कॉलम को चेंज कर दिया सी वन सी टू, सी वन सी टू को चेंज कर दिया देखो डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो गया राइट ना ठीक। सो दो चीज़ें याद रखना है यहाँ पर, पहला क्या है टू रोज और टू कॉलम अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक। दूसरी चीज़ है टू रोज और टू कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो ठीक, सो साइन क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट का चेंज हो जाएगा। एंड सेम इसी तरह इसमें भी है, क्लियर है ओके। तो ये समझ में आ गया होगा ओके। तो ये टू प्रॉपर्टीज हैं, चलो थर्ड की बात करते हैं। चलो थर्ड प्रॉपर्टीज यहाँ लेते हैं ठीक है। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑफ एनी रो और एनी कॉलम कॉलम राइट ना इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के ओके। देन न्यू डिटरमिनेंट इज के टाइम्स, के टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट, ओरिजिनल डिटरमिनेंट ठीक है। देखो ऐसा क्लियर, तो देखो यहाँ से इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो कॉन्स्टेंट के देन न्यू डिटरमिनेंट इज द के टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डिटरमिनेंट्स ठीक। अब इसका देखो इसका मीनिंग क्या है, जैसे मान लो अगर हम डिटरमिनेंट यहाँ ले लें ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री राइट ना, ऐसा ले लें यहाँ पर ओके। अब सपोज करो किसी रो या कॉलम को अगर हम किसी कॉन्स्टेंट यानी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें ठीक, जैसे मान लो हमने ये फर्स्ट रो इसको हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, के इज़ अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट ऐसा ठीक ओके। तो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा के से, देखो ऐसा के ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, देखो ऐसा
राइट ना। अच्छा कैलकुलेट करके देखोगे इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी राइट ना। इसे अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज की फाइंड आउट करोगे तो सेम वैल्यू आपको मिलेगी राइट। सो किसी रो या कॉलम के में अगर कोई भी देखो कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है तो उसे अगर बाहर निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा इसका एक मतलब और समझ रहा हूँ, जैसे देखो डिटरमिनेंट में अगर किसी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं नॉन जीरो नंबर से राइट ना, तो इसे हम किसी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है ओके। जैसे देखो हम ऐसा ले सकते हैं, अब इसको देखो डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ठीक। जैसे मान लो हमने इस सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया, सो ए वन बी वन सी वन के ए टू के बी टू के सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, देखो ऐसा राइट ना। तो क्या मतलब है इसका, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट बच्चों, समझ में आ रहा है। अगर किसी रो या कॉलम में कोई नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई है तो वो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट ना। और डिटरमिनेंट में अगर कोई नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई है तो किसी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट से आप उसे मल्टीप्लाई कर सकते हो ठीक, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया ठीक। चलो फोर्थ लेते हैं यहाँ से ठीक है। फोर्थ, इफ टू रोज और टू कॉलम कॉलम्स आर आइडेंटिकल ठीक है, इफ टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल ठीक, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो ठीक। अब देखो इसका क्या मीनिंग है, किसी रो या कॉलम के ठीक है, किसी भी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ठीक। जैसे देखो यहाँ से अगर हम लें, देखो इस तरह मान लो हमने ले लिया ए वन ए टू ए थ्री, फिर अगेन ए वन ए टू ए थ्री ठीक, बी वन बी टू बी थ्री राइट। देखो इसमें क्या है, आर वन और आर टू आइडेंटिकल है, देखो ये क्या हो जाएगा, जीरो ऐसा ठीक। सॉल्व करके अगर चेक करके देखोगे देखो जीरो मिलेगा आपको राइट। या हम देखो ऐसे ले लें, देखो ऐसा चलो जैसे हम ले लें यहाँ पर एक्स वाई जेड पी क्यू आर एक्स वाई जेड, देखो ऐसा ठीक है ओके। तो क्या हो जाएगा ये, जीरो ठीक, क्योंकि देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो राइट ना। तो ये बात समझ में आ रही है ओके। तो टू रो या टू कॉलम अगर आइडेंटिकल होंगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ओके। ठीक है ये भी समझ में आ गया, टू रोज एंड टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। चलो नेक्स्ट हम लेते हैं फिफ्थ। फिफ्थ की अगर हम बात करें यहाँ पर, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम्स कॉलम ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम कंसिस्ट टू टर्म्स ठीक है, टू टर्म देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स टू डिटर्मिनेंट्स। देखो ऐसा ठीक, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम कंसिस्ट टू टर्म्स
देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ द टू डिटर्मिनेंट। अब देखो ये क्या है, दैट मीन देखो अगर हम एग्जाम्पल ले ऐसे, ठीक, जैसे मान लो हमने ले लिया ए वन प्लस एक्स, ए टू प्लस वाई, ए थ्री प्लस जेड, राइट। फिर हमने यहाँ ले लिया बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ऐसा, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये जो फर्स्ट रो है, ठीक, ये क्या कर रहा है, इट कंसिस्ट्स टू एलिमेंट्स, ए वन प्लस एक्स, ए टू प्लस वाई, ए थ्री प्लस जेड, ठीक है, ये दो टर्म कंसिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक, ओके। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम दो डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन देखो हम ऐसा लिख सकते हैं ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। फिर देखो यहाँ से एक्स वाई जेड, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ऐसा, ठीक, ओके। अब देखो ये जो कंसिस्ट कर रहा है ना, याद रखना ये प्लस और माइनस में होना चाहिए, इनटू में नहीं, इनटू में होगा तो हम इसे दो डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हम, ठीक है ना, ये किस में होना चाहिए, प्लस और माइनस में, ठीक, ओके, ऐसा। अब देखो अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, अगर सपोज करो यहाँ माइनस हो गया, राइट, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक, ओके। अब ध्यान देना ये बात, देखो इस इधर से भी हम इसको कर सकते हैं, देखो अगर ये दो रो कॉमन है, ये दो, देखो ये दोनों रो कॉमन है, देखो इन दोनों को हम ऐड करके ये डिटरमिनेंट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी याद रखना, इससे हम इसको भी बना सकते हैं और इससे हम ये फॉर्म कर सकते हैं, राइट। चलो जैसे एक एग्जांपल और लो, जैसे सपोज करो अगर हमने ऐसे ले लिया, ठीक, ए वन ए टू ए थ्री, चलो यहाँ ले लिया हमने P प्लस क्यू प्लस आर, ठीक, फिर बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, देखो ऐसा, ठीक। अब देखो ये क्या है, दो डिटर्मिनेंट कंसिस्ट्स का, देखो अगर मान लो हमने यहाँ माइनस कर दिया, सपोज करो ऐसा, अगर हमने इसको माइनस कर दिया, ठीक, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वन ए टू ए थ्री, ठीक, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, राइट। देखो अब भी हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इसे बनाना चाहें यहाँ पर, सो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पी क्यू आर, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, देखो ऐसा, इस तरह हम इसे बना सकते हैं, राइट ना, ठीक। तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो, देखो इसको अब तुम लिख सकते हो यहाँ पर, इसको चाहो तो देखो ऐसे लिख सकते हो प्लस माइनस पी, ठीक, प्लस माइनस क्यू, प्लस माइनस आर, देखो ऐसे कर लिया। अब दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर दिया यहाँ पर, जब ब्रेक करोगे देखो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस माइनस माइनस, और ये माइनस क्या करो, कॉमन ले लो, ठीक है, किसी रो या कॉलम से कोई भी अगर एलिमेंट कॉमन लेते हो तो वो क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, देखो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो, दैट इज़ अ दिस माइनस, क्लियर। पहले हमने इसे दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर दिया और ये माइनस वाला टर्म कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्ट, माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर, राइट ना, तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक। बट यहाँ पर ध्यान देना ये कब होता है, प्लस और माइनस में, ठीक है, जब कोई भी रो या कॉलम के और एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ द टू एलिमेंट है, किसमें, प्लस और माइनस में, तभी इसे हम, ठीक है, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो समझ में आ गया बच्चों, ठीक, ओके। चलो तो नेक्स्ट लेते हैं यहाँ से, दिस इज द फाइव। अच्छा, जब इसको पढ़ाया जाता है तो बच्चे अक्सर क्या बोलते हैं यहाँ पर, ठीक, चलो हम लेते हैं यहाँ पर सिक्स, राइट, सिक्स की अगर हम बात करते हैं। अच्छा, सिक्स देखो कैसे लिखते हैं यहाँ से, जैसे मान लो अगर हम यहाँ से लेते हैं इफ़,
डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट डी बिकम्स जीरो ऑन पुटिंग एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है. देन एक्स माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ डी. ध्यान देना यहाँ, इफ डिटर्मिनेंट डी बिकम्स जीरो ऑन पुटिंग एक्स इज इक्वल टू अल्फा, अगर डिटर्मिनेंट में आप एक्स इज इक्वल टू अल्फा पुट कर दो और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए जीरो, सो वी कैन से दैट एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ डी. ठीक, जैसे देखो सपोज करो ये हमने डिटर्मिनेंट ले लिया एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब 3 4 1, ठीक, और यहाँ से हमने ले लिया 2 4 8, राइट ना, ठीक, ओके. अब मान लो यहाँ पर अगर पुट कर लो, पुट एक्स इजक्वल टू 2, देखो एक्स इजक्वल टू 2 पुट कर लो, राइट, सो क्या बन जाएगा, देखो डिटर्मिनेंट ऐसे हो जाएगा, पुट करो यहाँ से 2 4 8 3 4 1 2 4, देखो 8. अब देखो यहाँ से क्या हो गया, ये कॉलम और ये कॉलम, ये दो कॉलम क्या हो गया, आइडेंटिकल हो गया, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाती है, जीरो. पढ़ा था ना अभी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा था, ओके. सो अगर दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाती है, जीरो. ठीक, सो एक्स इक्वल टू 2 पुट करने पर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो हो गया, तो वी कैन से दैट देन एक्स माइनस टू, देन एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ डी. ठीक, देखो ये क्या है, एक्स माइनस टू क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, ठीक आएगा. अब देखो इसको समझ भी सकते हो, कैसे समझ सकते हो, देखो यहाँ से, ठीक, कैसे बताते हैं, देखो ऐसा फैक्टर का क्या मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट ना. जैसे आप अगर आप ऐसे लेते हो 36, तो 36 को अगर आप लिखते हो 4 into 9, तो आप क्या बोल सकते हो, 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36 या 9 इज़ अ फैक्टर ऑफ 36, ठीक है. तो इसका मीनिंग क्या होगा, x माइनस टू क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए, राइट ना, ठीक. सो देखो कैसे बनाएंगे इसको यहाँ पर, तो इसके मल्टीप्लाई में x माइनस टू ले आना है, ठीक है. कैसे निकालोगे, देखो ऐसे, देखो ये कॉलम C1, ये कॉलम C2, C3, राइट, ठीक. तो हम देखो अगर ऐसा प्रॉपर्टी लगा दें C1 माइनस C3, ठीक. अच्छा एक प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ऐसे. तो अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट में x इक्वल टू अल्फा अगर हम पुट कर दें, राइट, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाए, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ डी. क्लियर, ओके, ठीक है. चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ पर, 7th प्रॉपर्टी. अच्छा 7th प्रॉपर्टी देखो कैसा है, ठीक. अगर देखो हम डिटर्मिनेंट ऐसे लिख लें यहाँ पर, देखो अगर हम डिटर्मिनेंट ऐसे ले लें A 0 0, ठीक, G B 0, E F 0, देखो ऐसा, राइट. या देखो डिटर्मिनेंट हम अगर हम ऐसा ले लें A B C, और मान लो यहाँ से हम ले लें P Q R, ठीक, और यहाँ हम ले लें 0 0 0 ऐसे, ठीक. अच्छा ये समझ में आ रहा है, देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल्स होता था, इसके अबव एलिमेंट क्या है, जीरो, और यहाँ पे देखो दिस प्रिंसिपल डायगोनल, इसके बिलो एलिमेंट क्या है, जीरो, ठीक. सो दैट मीन हम इसे क्या बोलते थे, याद है मैट्रिक्स में हम क्या बोलते थे, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ओके. तो अगर ध्यान दो यहाँ से, अगर आपको ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट गिवन हो, ठीक है, ट्राइंगुलर डिटर्मिनेंट यानी प्रिंसिपल डायगोनल्स के एबव एलिमेंट हो या बिलो एलिमेंट जीरो हो, ठीक, तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, ABC, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ABC, यहाँ पर क्या है, सी, राइट, ABC, ठीक. देखो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगा ABC, कब, जब ये कंडीशन होगी, ओके. तो ये बात समझ में आ रही है, ओके. चलो तो इसको नोट कर लिया, तो 7th. अब हम लेंगे 8th प्रॉपर्टी.
एट प्रॉपर्टी, ठीक है ओके। चलो एट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं यहाँ पर। अगर हम यहाँ चले देखो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इज अनचेंज्ड इफ ऑल लिमिट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ठीक है और एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम्स या कॉलम लिखो आर मल्टीप्लाइड बाय के। के क्या है यहाँ पर? नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय और नॉन जीरो कॉन्स्टेंट एंड देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड ठीक है एंड देन एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टू करस्पॉन्डिंग फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम ठीक ऐसा ओके। देखो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनचेंज यानी चेंज नहीं होता इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ठीक है आर मल्टीप्लाइड बाय अ नॉन जीरो कॉन्स्टेंट ठीक है नॉन जीरो कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम ठीक है। अब देखो ये कैसे समझ, तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। देखो मैं बता रहा हूँ ठीक है कैसे समझ रहे हैं इसको। जैसे मान लो ये गिवन है आपको A1, A2, A3 B1, B2, B3 C1, C2, C3 देखो ऐसा ठीक। अच्छा देखो अगर किसी रो या कॉलम को हम ले लेते हैं, मान लो जैसे सपोज करो हमने ले लिया C1 कॉलम ठीक है C1 ले लिया, तो C1 हमने लिया C1 प्लस MC2 माइनस NC3 देखो ऐसा ठीक है ओके। तो किसी देखो किसी रो के में किसी अदर रो में मल्टीप्लाई करके हम ऐड या सबट्रैक्ट कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई भी रो या कॉलम ले लें उसे अदर रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके ऐड या सबट्रैक्ट करें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम रहेगा ठीक। चलो अगर इसको देखो यहाँ से लिखे तो क्या मिलेगा ठीक। सो देखो इसमें हम कर रहे हैं ना, तो क्या मिलेगा देखो A1 ठीक प्लस MA2 देखो ये किसका एलिमेंट है C2 का माइनस NA3 देखो ऐसा राइट ना। A1 इसमें MA2 माइनस NC3 A3। चलो सेम यहाँ पर देखो B1 प्लस MB2 माइनस NB3 राइट। चलो इसमें देखो C1 प्लस MC2 माइनस NC3 राइट। A2 B2 C2 A3 B3 C3 देखो ऐसा राइट। सो देखो इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना, किसी भी रो या कॉलम को ठीक है आप किसी नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करके किसी अदर रो या कॉलम में ऐड कर सकते हो या सेपरेट कर सकते हो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगी ठीक। या आप ऐसा भी कर सकते हो किसी रो या कॉलम को ठीक है किसी अदर रो या कॉलम के किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सेपरेट करो तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा राइट ऐसा ठीक। अब बच्चे इसमें क्या बोलते हैं, इसमें सर कितनी प्रॉपर्टीज हैं, कितनी याद करनी पड़ेगी हमें ठीक ओके। तो घबराने की बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का ठीक है ना, सिर्फ इतनी ही प्रॉपर्टी है, 8 प्रॉपर्टी ओके ठीक। तो अगर समझ में आए आ गया होगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर से देखना इसको, एक एक प्रॉपर्टीज को फिर से देखना
राइट, उसके बाद हम उस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन से सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, आपको समझ में आने लगेगा कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। राइट, देखो बिना क्वेश्चन के आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अगर एक बार मान लो तुमने इसको याद भी कर लिया, समझ भी लिया और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे इसको। ठीक है, जैसे देखो इलेवंथ में ट्रिग्नोमेट्री जब हम पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो कितने फॉर्मूले होते हैं। राइट, साइन टू थीटा, साइन थ्री थीटा, साइन ए प्लस बी, सारे फॉर्मूले होते हैं। अब बच्चा क्या करता है, शुरू शुरू में जब फॉर्मूले रटना चालू करता है, जब आप फॉर्मूले रटते हो तो फॉर्मूले क्या होता है, कुछ दिन बाद फिर भूल जाते हो। लेकिन अभी उस फॉर्मूले पर क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो, देखो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। राइट, तो फॉर्मूले याद करने का या प्रॉपर्टीज याद करने का बेस्ट मेथड ये होता है कि आप प्रॉपर्टीज पढ़ो या फॉर्मूले पढ़ो, उसके बाद उस पर क्वेश्चन सॉल्व करो। राइट, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगी और फॉर्मूले भी सारे याद रहेंगे। ओके, तो बच्चों ऐसे करना है आपको, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। राइट, अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं जिसको हमें नोट करना है, ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर, उसको देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो क्या क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, नोट करके इसे लिखो। ठीक, फर्स्ट इट शुड बी नोटेड दैट, ठीक, इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल अप्लाइंग अप्लाइंग ऑपरेशंस ऑन डिटरमिनेंट, ठीक, ओके, इट शुड बी नोटेड दैट व्हाइल अप्लाइंग ऑपरेशंस ऑन द डिटरमिनेंट, ओके, द वैल देन एट लीस्ट वन रो और वन कॉलम मस्ट रिमेन अनचेंज्ड। ध्यान दो यहाँ से, ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट द वाइल अप्लाइंग द ऑपरेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स एटलीस्ट वन रो और वन कॉलम मस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, देखो जब भी ऑपरेशन आप कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे C1 में कर रहे हो, C2 में कर रहे हो, C3 में कर रहे हो, राइट ना, तो आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक, कम से कम एक रो या कॉलम वो अनचेंज होना चाहिए। ठीक है, जैसे 3 ऑर्डर का आप ले रहे हो यहाँ पर, तो किसी 2 रो या 2 कॉलम में ही ऑपरेशन कर सकते हो, एक हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसको आपको याद रखना है, इट शुड बी रिमेंबर, राइट, ठीक ना, ओके, ठीक। या हम देखो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट -1। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन क्या कर सकते हो आप, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट -1। देखो अगर ऑर्डर 2 होगा तो एक ही ऑपरेशन कर सकते हो, ठीक, 2 -1 एक ऑपरेशन। ऑर्डर 3 होगा तो कितने कर सकते हो, देखो ऑर्डर क्या है, 3 -1 दो ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक, इसको याद रखना है। ठीक, जैसे देखो जैसे सपोज करो, जैसे मान लो अगर आपको ये गिवन है 2 4, ठीक, 3 5 ऐसे, ओके, अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है या इसमें कुछ ऑपरेशन करना है। ठीक, सो देखो जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है, सो देखो आप ऐसा लिख सकते हो, R2 = R2 - R1 ऐसा। अब इसके बाद देखो और कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं करना कि R1 को ऐसा लिख दो R1 + R3 - R2, ऐसे मत करना, एक ही ऑपरेशन कर सकते हो, देखो 2 ऑर्डर का है, सिर्फ एक ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक, ओके, सो देखो इस जैसे इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 1 1 ऐसा। ठीक, ये ठीक, अब जैसे मान लो 3 ऑर्डर का है, सपोज करो ये 3 ऑर्डर का, राइट, 3 ऑर्डर का मान लो जैसे हम ले लेते हैं यहाँ से A1 A2 A3,
B1, B2, B3, C1, C2, C3। ठीक, तो किसी दो रो या दो कॉलम में ये ऑपरेशन करना है, एक को कांस्टेंट रखना है। जैसे मान लो हमें ऐसा कर सकते हैं, R1 कर सकते हैं R1 + MR2 ऐसा। अब ये जो हम ऑपरेशन करते हैं एज अ क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पर करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन जैसा होता है उसके रिक्वायरमेंट पर। और जैसे हम देखो ले सकते हैं R2 + NR3, देखो ऐसा। तो देखो हमने ऑपरेशन किस में किया, दो रो में, एक रो हमेशा कांस्टेंट रहा। ठीक, तो आपको ये बात याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक, तो जब भी आप ऑपरेशन कर रहे हो टू ऑर्डर में, सिर्फ एक रो में ही ऑपरेशन करना है, एक हमेशा कांस्टेंट रहेगा। थ्री ऑर्डर में क्या करना है, एक रो या एक कॉलम को ऑलवेज कांस्टेंट रखना है, किसी दो में आप ऑपरेशन कर सकते हो। ठीक, तो बच्चों ये समझ में आ गया। ओके, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स था। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम लेते हैं यहाँ पर, देखो नेक्स्ट सेकेंड क्या है, सेकेंड को देखो ऐसे समझ लो। यहाँ पर जैसे मान लो क्या करना है आपको, जैसे मान लो ये है आपका A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, देखो इसको ऐसे। ठीक, अब सपोज करो जैसे मान लो किसी रो या कॉलम में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक, तो इसको बैलेंस करने के लिए डिटरमिनेंट को भी सेम नंबर से डिवाइड करना होगा। राइट, जैसे मान लो आपने R1 में K से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, सो देखो कैसे हो जाएगा, K A1, K A2, K A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। राइट ना, अब देखो ये K पहले तो था नहीं, ये आपने R1 में कैसे मल्टीप्लाई किया। अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट में कैसे डिवाइड भी करना पड़ेगा। राइट, ठीक है, ओके, याद है प्रॉपर्टीज। अगर हम यहाँ इस K को बाहर लेंगे डिटरमिनेंट से, तो ये डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो K एंड K कैंसिल हो जाएगा, सेम डिटरमिनेंट मिल जाएगा। ठीक, तो किसी रो या कॉलम में अगर किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए डिटरमिनेंट में सेम नंबर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, ओके, तो ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, देखो और चीज़ें समझते हैं यहाँ पर। अब देखो जैसे हमने ये क्वेश्चन दिया था ना, x x square x cube। ठीक, अब यहाँ मान लो हमने क्या लिया था, 3, 5, 1, 2, 4, 8 ऐसा लिया था। हमने क्या बोला था यहाँ पर कि अगर x = α पुट कर दो, x = α पुट कर दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाए, तो x - α क्या होता है, x - α इज़ अ फैक्टर। देखो ये होता है ना, इज अ फैक्टर, फैक्टर ऑफ d। ओके, सो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं यहाँ से। देखो जैसे ये क्या है C1 और ये है C3, तो यहाँ से देखो ऐसे लिख लो, C1 में ऑपरेशन कर दो C1 - C3। देखो ऐसा, याद है ना अभी हमने पढ़ा हुआ था। ठीक, किसी रो या कॉलम को किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सेपरेट कर सकते हैं। राइट, ठीक, तो ये हमने C1 लिया, C3 में -1 से मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर दिया। ठीक, सो देखो ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा x - 2, x² - 4, x³ - 8, 3, 5, 1 और देखो 8 ऐसा। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ से x - 2, ठीक है, अब x² - 4 square, देखो x² - 4 इसे क्या लिख सकते हो, x - 2x + 2 ऐसा। ठीक, ओके, आई थिंक इसको तो नोट कर लिया होगा, ये चीज़ें समझ में आ गई ना। ठीक, चलो तो देखो इसको, ठीक देखो इसको समझते हैं यहाँ से। तो हमने क्या किया, देखो C1 - C3, तो C1 ने C3 को सेपरेट कर दिया। राइट, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x - 2 x² - 4, याद है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, x² - 2 square a² - b²
a माइनस बी ए प्लस बी, राइट। सो x माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक। अगेन देखो एक्स क्यू माइनस एट, तो एक्स क्यू माइनस एट याद है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स, देखो ऐसा, ठीक। सो देखो इसको लिखो यहाँ से, एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया देखो, थ्री फाइव वन टू फोर एट, ऐसा, ठीक। अब देखो मैंने क्या कहा था, किसी रो या कॉलम में, ठीक है, अगर कोई कॉमन टर्म मिलता है, देखो यहाँ पे कॉमन टर्म है, ठीक, तो वो डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो इस कॉमन टर्म में लो यहाँ से, सो दैट मीन देखो ये x माइनस टू, ये डिटरमिनेंट्स में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। सो दिस इज द वन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर प्लस फोर एक्स, दिस इज द थ्री फाइव वन टू फोर एट। देखो अब ये जो डिटरमिनेंट था इसको देखो हमने टू टर्म में स्प्लिट कर दिया, x माइनस टू माइनस, ठीक, x माइनस टू इंटू दिस डिटरमिनेंट, ठीक। तो दैट मीन क्या हो गया, x माइनस टू क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया, क्लियर। x माइनस टू क्या हो गया, दिस डिटरमिनेंट का फैक्टर हो गया, ठीक। तो बात समझ में आ गई कैसे हमने करना था, अगर किसी डिटरमिनेंट में x इक्वल टू अल्फा हम पुट करते हैं और डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाती है, देन x माइनस अल्फा इज द फैक्टर ऑफ डी, ओके। तो चलो ये बात समझ में आ गई, ठीक, ओके। तो सारी प्रॉपर्टीज़ आई थिंक बच्चों क्लियर हो गया होगा, ओके। चलो तो नेक्स्ट हम करते हैं अब इसमें क्वेश्चन, अच्छा कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें देख लो यहाँ से, जैसे अच्छा ये तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे मान लो अगर ऐसे ले लें हम, देखो जैसे मान लिया ऐसे ले लिया, अब ये तो जानते ही होंगे आर, अगर किसी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट ज़ीरो हो जाए तो जानते हो ये ज़ीरो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, राइट ना, ठीक, ओके। और क्या देखो, और जैसे अगर हम लिखें, मान लो इसको भी नोट कर लो, जैसे वन से हमने लिया टू ले लियो, ठीक, ओके। डिटरमिनेंट किसका एग्जिस्ट करता है ऑलवेज, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, राइट, ओके। डिटरमिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये चीज़ें हम मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, बट हम रिवीजन के लिए फिर से देख लेते हैं, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करता है। थर्ड, अब देखो अगर हम ऐसे लें, ठीक, ए बी, ठीक, ये क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ए क्या है डिटरमिनेंट, बी भी क्या है डिटरमिनेंट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, ए और बी क्या हो जाएगा, मैट्राइसेस, ठीक है। तो अगर आप इसका ले रहे हो डिटरमिनेंट ऑफ ए बी, तो इसको देखो हम ऐसा लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, ऐसा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑर्डर, ऑर्डर इसमें कंसिडर नहीं होता है, ठीक, ऑर्डर बिल्कुल कंसीडर नहीं होता है। आप ए बी डिटरमिनेंट लो या बी ए डिटरमिनेंट लो, डिटरमिनेंट ए लो, डिटरमिनेंट बी लो या बी और ए लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। फोर्थ, डिटरमिनेंट ऑफ के, देखो ये के क्या है यहाँ पर, ए नॉन जीरो नंबर, ठीक। सो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, के टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। एन क्या है, एन इज द ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट या आप बोल सकते हो या मैट्रिक्स, ऐसा, ठीक है। इसको भी हम मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, एग्जांपल देखो जैसे यहाँ पर देखो जैसे ऐसा दिया हूँ, ठीक। अब ए क्या है, ए इज अ ऑर्डर, ए इज अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, ऑर्डर थ्री, ठीक। तो ए आपको गिवन है यहाँ पर, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री, तो देखो वैल्यू क्या हो जाएगी, थ्री की पावर थ्री डिटरमिनेंट ऑफ ए, दैट इज अ 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ऐसा, ठीक है। तो बच्चों इसको याद रखना, ठीक, ओके।
चलो मान लो फिफ्थ अगर हम लेते हैं, फिफ्थ अगर हम लें यहाँ पर, फिफ्थ क्या हो सकते हैं आप देखो, अगर हम ऐसे ले लें डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ऑड ऑर्डर, ठीक, किसी ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो, राइट। चलो ऐसे ऐसे देखो सिक्स, सिक्स क्या लिख देता है डिटरमिनेंट ए के पावर एन, देखो ये हो जाएगा ऐसा, ठीक। अब ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर ये क्या है, ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के पावर एन लोगे, राइट, अगर उसका डिटरमिनेंट लोगे तो क्या मिल जाएगा, डिटरमिनेंट के पावर एन, और एन क्या है, एन इज अ नेचुरल नंबर, ठीक। और क्या लिख सकते हो यहाँ पर डिटरमिनेंट, देखो ऐसा, अब ये टी जानते हो ना ट्रांसपोज, किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट लोगे तो सेम वही मिल जाएगा, डिटरमिनेंट का अगर ट्रांसपोज ले लो ऐसा, ट्रांसपोज का मतलब समझ रहे हो ना, रो जो कॉलम को इंटरचेंज कर देना आप, राइट बच्चों, ठीक, ओके। तो ये सब चीज़ें ऐसे, ठीक, बट आप देखो एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो, एक भी कॉन्सेप्ट अगर आपने मिस किया तो कॉम्पिटिशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो कॉन्सनट्रेट होके एक एक, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ को देखो और फिर उसके अप्लाई करने की कोशिश करो क्वेश्चंस में, ठीक। तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो तो अब हम बात करते हैं आप इसमें क्वेश्चन की, तो अब लेते हैं इसमें क्वेश्चन, चलो तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक, कैसे लिखेगा, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग, ठीक है। देखो बोर्ड वगैरह में जो क्वेश्चंस आते हैं डिटरमिनेंट पर, ठीक है, तो वो ऐसे लिखे होते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, राइट ना, विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी डिटरमिनेंट को डायरेक्ट आपको एक्सपेंड नहीं करना है, राइट ना, जैसे वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आप निकालते हो, एक्सपेंड नहीं करना है, पहले आपको प्रॉपर्टीज यूज करना है, उसके बाद सॉल्व करके तब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखो एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर, देखो विदाउट एक्सपेंडिंग का क्या करेंगे यहाँ पर, आपको करना क्या है यहाँ पर, कोई भी रो या कॉलम के, ठीक है, दो एलिमेंट को आपको ज़ीरो बनाना है, ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज़ यूज करना है और किसी भी रो या कॉलम के दो एलिमेंट को ज़ीरो बनाना है, ठीक, उसके बाद फिर एक्सपेंड करना है, राइट, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से, ठीक, देखो ये ठीक, देखो ऐसा ये क्वेश्चन मान लो कि है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है विदाउट एक्सपेंडिंग, ठीक, तो कैसे करेंगे यहाँ से, चलो ट्राई करो, देखो थोड़ा सा सोचो कैसे बनेगा ये, अगर डायरेक्ट करोगे तो देखो बहुत लेंदी हो जाएगा, 17 × 21 माइनस, देखो ठीक, ओके। अब उन बच्चों को तो ज़्यादा डर लगेगा ना जिनको कैलकुलेशन से थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ठीक, तो एक्सपेंड करके तो नहीं करना है, और करोगे तो बहुत, देखो बहुत लेंदी होगा, ठीक। तो प्रॉपर्टीज़ हम लगाते हैं यहाँ पर, अब प्रॉपर्टीज़ देखो अगर हम कैसे करें यहाँ पर, अब देखो अगर हम यहाँ से 14 − 13 कर दें, राइट, तो देखो ये क्या मिल जाएगा, 1, 17 − 16 1, 20 − 19 1। अब सिमिलरली देखो इसी तरह इसमें देखो ये भी कर सकते हो यहाँ पर, ठीक, सो दैट मीन देखो हम कैसे करेंगे यहाँ पर, R1 नहीं R2 लेते हैं, ठीक, R2 हम लेते हैं, R2 − R1 ऐसा, ठीक, R2 − R1, ठीक। अब देखो R3 हम ले लेते हैं,
आर थ्री कैसे ले लेते हैं यहाँ से, आर थ्री माइनस आर टू, देखो ऐसा, ठीक। तो आर टू, आर टू में हमने आर वन को सेपरेट कर दिया और आर थ्री में आर टू को सेपरेट कर दिया, राइट ना। तो डिटरमिनेंट देखो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, 13, 16, 19, दिस इज द 1, 1, 1 एंड दिस इज द 1, 1, 1, राइट। अब देखो टू रो क्या हो गया, आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो गया, जीरो, देखो वेरी सिंपल, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, ठीक। देखो आर टू में आर वन को सेपरेट कर दिया और आर थ्री में आर टू को, ठीक, देखो ये जीरो मिल गया, ओके। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान देना, इस बीटा को हमें यहाँ ले आना है, देन अल्फा, अल्फा को ले आना है, राइट ना, ऐसा। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ से ध्यान देना, अगर पहले क्या करते हैं देखो समझना, ठीक, क्वेश्चन को सोल्यूशन लेते हैं, सोल्यूशन, दिस इज द अल्फा बीटा गामा थीटा फाई एंड जाई और फिर लैम्डा म्यू और न्यू, ऐसा, ठीक। अच्छा ध्यान देना, मैं गामा थोड़ा सा ध्यान देना, गामा ऐसे, ठीक, ओके। तो पहले हम क्या करते हैं, देखो इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, जानते हो पहले प्रॉपर्टी से हमने पढ़ा था, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो रोज एंड कॉलम, एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, इंटरचेंज, ठीक, रोज और कॉलम को हमने इंटरचेंज कर लिया। चलो इंटरचेंज करेंगे क्या मिल जाएगा, देखो दिस इज द अल्फा बीटा गामा, राइट, ऐसा, ठीक, ओके, ठीक है, रो है कॉलम में लिख दो, थीटा फाई जाई, ठीक, लैम्डा म्यू न्यू, ऐसे कर लिए, ठीक है। अब ये मिल गया यहाँ से, अच्छा अगेन देखो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। अब सपोज करो एक चीज़ और करते हैं यहाँ से, लैम्डा, राइट ना, ओके, तो लैम्डा, चलो ऐसा करते हैं यहाँ पे देखो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं इंटरचेंज, देखो C2 और C3 को, तो C2 और C3, देखो इसको इंटरचेंज कर लिया। अब जानते हो दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड, तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक, अल्फा बीटा, ठीक, गामा। अब देखो यहाँ से लैम्डा म्यू एंड न्यू एंड थीटा फाई एंड जाई, ऐसा हो गया, राइट। अच्छा अगेन देखो कुछ हम अप्रोच तक पहुँच रहे हैं, ऐसा, हाँ अब देखो हो गया ना, इस रो देखो इसको अगर हम यहाँ लेते जाएँ यहाँ पर, देखो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, राइट। अच्छा देखो अगेन, ओके, तो इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, किसको, आर वन और आर टू को, ठीक। सो आर वन को आर टू से इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक। अब आर वन दो रो को अगर हम इंटरचेंज करें तो अगेन क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा, तो ऑलरेडी माइनस साइन है, फिर माइनस साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर, देखो ऐसे, ठीक, तो माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन क्या हो जाएगा, देखो ये रो चेंज हो गया, दैट इज अल्फा, सॉरी बीटा, बीटा म्यू फाइव, ठीक, अल्फा, ठीक है, डेल्टा एंड थीटा और यहाँ से गामा न्यू और जाई, ऐसा, ठीक, राइट। अब यहाँ से देखो यहाँ से ये वैल्यू, इस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। अब माइनस वन का स्क्वायर, माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, प्लस, तो दैट मीन देखो ये मिल गया आपको बीटा म्यू फाइव, ठीक, अल्फा लैम्डा थीटा, राइट, गामा न्यू और जाई, देखो ऐसा, ठीक। और देखो यही शो करना था आपको यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। तो बच्चों समझ में आ गया है, ठीक,
थोड़ा सा आपको थोड़ा लग रहा होगा इसमें क्या सर ये क्या है ये, ठीक, पर थोड़ा सा देखो कोशिश करोगे, थोड़ा सा समझोगे इसको, ठीक, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहले देखो मैंने कैसे किया, ये डिटरमिनेंट दिया था, रोज़ और कॉलम को इंटरचेंज किया, जो रोज़ था उसको कॉलम में लिख दिया, राइट ना। उसके बाद देखो हमने C2 और C3 को इंटरचेंज कर दिया, जब C2 और C3 को इंटरचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस साइन, ठीक। अगेन देखो हमने क्या किया, R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया, ठीक, R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया, देखो फिर आपको ये मिल गया जो आपको प्रूफ करना था, ठीक। देखो और भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते हो, ठीक है, करना चाहोगे, चलो एक करते हैं, फिर से और कोशिश करते हैं, देखो और क्या बना सकते हैं। तो ये समझ में आ गया, चलो देखो ऐसे करते हैं, देखो मैथ क्या है ना, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैथ में अगर आपको इंटरेस्ट है, आपको नंबर से, ठीक है, और लॉजिकल चीज़ें करने में अगर मज़ा आता है तो मैथ आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक, ओके। तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पर, और जैसे अगर हम बनाना चाहें देखो कैसा है, देखो बीटा को हम यहाँ ले आए हैं, अल्फ़ा को यहाँ ले आना है, राइट ना। तो हम कैसे बनाते हैं, चलो देखो ये C1 है, ये C2, राइट ना, C1 C2 को इंटरचेंज कर देते हैं, तो C1 C2 इसको इंटरचेंज कर दिया, राइट, चलो इंटरचेंज किया तो क्या मिल गया यहाँ पर, बीटा फाई म्यू एंड अल्फा थीटा लैम्डा, ठीक, एंड देखो ऐसा गामा जाई एंड म्यू, ठीक है, ओके। अब देखो दो रो कॉलम को हमने इंटरचेंज किया तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा यहाँ पर ऐसा, ठीक, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ठीक। अगेन देखो हम क्या करते हैं फिर, तो बीटा तो हमें मिल गया यहाँ पर, ध्यान दे रहे हैं यहाँ बीटा मिल गया, अब हमें यहाँ पर अल्फ़ा चाहिए, राइट ना। तो अल्फ़ा कैसे मिलेगा, देखो अल्फ़ा और यहाँ पर देखो गामा, राइट ना। तो हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, अगर देखो बीटा अल्फा गामा चाहिए और फिर क्या चाहिए, फाई थीटा जाए, फिर म्यू, ठीक है, लैम्डा और न्यू। तो हम कैसे करते हैं, देखो रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं यहाँ पे, देखो रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, देखो इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज, ठीक। तो कैसे मिलेगा, अब जानते हो रोज और कॉलम को अगर इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इस रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, देखो बीटा अल्फा गामा, ठीक है, ये जो रो है ना इसको खड़ा कर दूँ, ठीक, तो फाई थीटा और ये क्या है, ये त्रिशूल की तरह क्या बोलते हैं इसको, जाई, राइट, एंड म्यू लैम्डा न्यू ऐसा, ठीक है। न्यू जानते हो ना फ्रिक्वेंसी को डिनोट करता है, फिजिक्स में आप ये सारे सिंबल पढ़ते हो, राइट। अगेन देखो अब चीज़ें यहाँ समझो, ये वाली लाइन तो हमें मिल गई, अब प्रॉब्लम इन लाइन में है, देखो ठीक, ये लाइन यहाँ होनी चाहिए और ये लाइन यहाँ होना चाहिए, ठीक, ओके, ये कॉलम इधर और ये कॉलम इधर होना चाहिए। तो वेरी सिंपल क्या करेंगे, ये C2 है ये C3 है, दोनों को चेंज कर दो, C2 और C3 देखो चेंज कर दो इसे, ठीक। अब C2 C3 को चेंज करो तो क्या मिल जाएगा, देखो देखो ध्यान देना, जब दो रो को हम चेंज करते हैं या दो कॉलम को चेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट का क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, तो ऑलरेडी एक माइनस है, फिर चेंज करोगे एक माइनस और आ जाएगा, दैट मीन क्या हो जाएगा, -1 स्क्वायर, ठीक। सो दैट इज़ अ बीटा अल्फा गामा, अब देखो इन दोनों को हम चेंज कर रहे हैं, सो दैट इज़ अ म्यू, ठीक है, लैम्डा न्यू एंड दिस इज़ द फाई थीटा और जाई ऐसा, ओके। और -1 का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो दैट मीन देखो ये मिल गया आपको, बीटा अल्फा गामा म्यू लैम्डा न्यू एंड फाई थीटा एंड जाई ऐसा, राइट। तो बच्चों ये समझ में आ गया, ठीक। तो देखो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करोगे, अभी देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा इसमें, ठीक, बट देखो डिटरमिनेंट में मैंने कहा ना प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा, ओके। देखो इफ ए बी सी आर ऑल डिफरेंट, यानी ए इज अ नॉट इक्वल टू बी, बी इज अ नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, तीनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक।
अब ये डिटरमिनेंट आपको गिवेन है, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो, तो आपको ये प्रूव करना है। ओके चलो देखो कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ से। अच्छा देखो मैंने प्रॉपर्टीज क्या बताया था पहला, कि अगर कोई भी रो या कॉलम, ठीक है, दो एलिमेंट कंसिस्ट कर रहा है, तो उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट में, ठीक है। अब देखो ये कॉलम, कॉलम थर्ड में देखो ये सम ऑफ द टू एलिमेंट्स हैं, ठीक, तो इसे हम दो डिटरमिनेंट्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। देखो इसको हम ब्रेक कर देते हैं, तो दिस इज द वन 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 प्लस, ठीक, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, देखो राइट, अब सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स ब्रेक कर लिया, ये प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने, क्लियर। अच्छा अब क्या करते हैं, देखो हम कुछ ऐसा करते हैं यहाँ पर कि ये दोनों सेम हो जाए, ठीक है, ऐसा मतलब इसमें से कुछ कॉमन निकाल के इसके इक्वल कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो रो, ठीक है, इस रो में एक कॉमन ले सकते हैं, ठीक, और ये जो कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें देखो बी कॉमन लेंगे, ये डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें सी कॉमन लेंगे, राइट। सो देखो वी कैन डू ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन वन वन, ठीक, चलो इसमें ए कॉमन लिया तो डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लाई हो गया, इसमें बी कॉमन लिया डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लाई हो गया, इसमें सी कॉमन लिया, देखो ऐसा दैट इज़ द क्या मिल गया यहाँ पर, वन ए ए स्क्वायर, वन बी बी स्क्वायर, वन सी सी स्क्वायर। तो बच्चों समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ओके। तो किसी भी रो या कॉलम में अगर हम कोई कॉमन एलिमेंट लेते हैं तो वो क्या होता है, डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। देखो इसमें हमने ए कॉमन लिया, ये डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, इसमें हमने बी कॉमन लिया डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई हो गया, इसमें हमने सी कॉमन लिया डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से हमें क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। सो दैट मीन देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर वन है तो एक काम करो इसको यहाँ भेज दो, ठीक है, कैसे भेजेंगे यहाँ पर, ठीक, सी वन, ये क्या है सी वन, ये है सी थ्री, तो सी वन और सी थ्री को इंटरचेंज कर दो ऐसे, राइट। सो दैट मीन देखो वी कैन राइट ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन वन वन, ठीक। अच्छा देखो जब दो रो या दो कॉलम को हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ प्लस साइन है तो ये माइनस हो गया, राइट। सो वन वन वन, हो इसको तो हम इंटरचेंज कर रहे हैं ना, सो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी सी, ये तो वही रहेगा, ठीक, वन वन वन, क्लियर, ऐसा, ठीक। अच्छा देखो अभी भी ये देखो ये सेम नहीं है, सेम कैसे होगा, अगर हम इन दोनों को भी इंटरचेंज कर दें, इसको उठा के इसको यहाँ से कर दें, राइट। सो क्या देखो आगे, तो हम यहाँ से करते हैं दिस, ये कौन सा है सी वन, ये सी टू, तो सी वन और सी टू को इंटरचेंज कर दो, राइट। चलो तो यहाँ से ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन वन वन, ठीक, आप ध्यान देना, देखो दो रो को हम इंटरचेंज, दो कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो अगेन माइनस साइन बाहर आएगा, तो माइनस साइन बाहर आएगा तो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, राइट। सो ए बी सी एंड, ठीक है, चलो तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और वन वन वन, ऐसा, ठीक। अब ध्यान दो देखो ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट क्या है, कॉमन, जानते हो ना डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है, ठीक, तो हम इसको एक नंबर की तरह कॉमन ले लेते हैं। चलो कॉमन लोगे यहाँ से, चलो कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, वन प्लस ए बी सी, और यहाँ देखो ये डिटरमिनेंट ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट इज़ वन वन वन, ऐसा, ठीक है, ओके। इसको उठाया यहाँ कॉमन ले लिया तो इसके प्लेस में वन हो गया और यहाँ क्या आ गया ए बी सी, ठीक, ओके। अब ध्यान देना यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो रही है, वैल्यू ज़ीरो, ठीक, वैल्यू इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो, वैल्यू इसने क्या दिया, ज़ीरो, ठीक, ओके। तो देखो अगर हम क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व करें तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक, बट हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो इधर या तो ये ज़ीरो होगा तो ये ज़ीरो होगा,
ठीक है ओके। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे। अब मैंने क्या बताया था, ध्यान देना ठीक है बच्चों, क्या ध्यान दें, बताया था किसी रो या कॉलम के दो एलिमेंट को आपको ज़ीरो करना होता है। ठीक, सो देखो यहाँ पर ये क्या है, वन वन वन, ठीक। तो अगर देखो जैसे ये सी वन है, सी वन में अगर मैं सी टू को सेपरेट कर दूँ, राइट, तो देखो ये मुझे ज़ीरो मिल जाएगा। और देखो सी टू में अगर मैं सी थ्री को सेपरेट कर दूँ तो ये ज़ीरो मिल जाएगा, राइट। चलो करते हैं यहाँ से, सी वन नहीं नहीं सॉरी वेरी सॉरी आर वन, आर वन, आर वन में आर टू को सेपरेट कर दूँ ऐसा, ठीक, और आर टू, आर टू में आर थ्री को सेपरेट कर दूँ ऐसा, ठीक। सो क्या मिल जाएगा आपको, वन ए बी सी ऐसा, ठीक ओके। चलो यहाँ से लेते हैं, दिस इज ए माइनस बी, आर वन में आर टू को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द जीरो, क्लियर। आर टू में आर थ्री को, बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज द जीरो, एंड सी सी स्क्वायर वन ऐसा, ठीक है ओके। तो पूरा तो बोर्ड भर गया, ठीक। देखो इसमें क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक ना, आपके पूरे पेज भर जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते में, ठीक ओके। बट प्रॉब्लम, टेंशन मत लेना, ठीक है, करते रहो, करने लगोगे तो मज़ा आने लगेगा क्वेश्चंस में, ठीक ओके। तो यहाँ तक ये क्या था आपका, इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो मत भूलना, लिखते जाना, ठीक है ऐसा ओके। अब देखो इधर का टर्म मैं ठीक है इरेज कर रहा हूँ इधर, ओके। ओके चलो अब देखो यहाँ से, ठीक अच्छा, अब देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से वन प्लस ए बी सी, ये चलो। अब देखो यहाँ से अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, अब देखो इसको ब्रेक करेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी, देखो ऐसा बन गया, क्लियर है ना ऐसा, और ये हो गया ज़ीरो, राइट। फिर अगेन देखो यहाँ से बी माइनस सी, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, बी माइनस सी बी प्लस सी, और यहाँ क्या मिल गया, ज़ीरो, ठीक, एंड दिस इज द सी सी स्क्वायर वन, ओके। अब ध्यान से देखो ये जो आर वन रो है इसमें देखो ए माइनस बी ए माइनस बी, और जीरो में तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ देखो हम लिख सकते हैं ज़ीरो इंटू ए माइनस बी, राइट। सो दैट मीन वन प्लस ए बी सी, इस रो फर्स्ट रो से ए माइनस बी हम कॉमन ले सकते हैं, क्लियर है ना ओके। कैसे समझ में आ रहा है ना, ए माइनस बी देखो यहाँ पर है, ए माइनस बी यहाँ पर, और जीरो इंटू अगर हम लिख दें ए माइनस बी ऐसा, तो देखो कॉमन मिल जाएगा यहाँ से, जीरो को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर ले लो आप मल्टीप्लाई में, ठीक ओके। इसी तरह देखो यहाँ पर बी माइनस सी, बी माइनस सी यहाँ है, बी माइनस सी यहाँ, और जीरो इंटू बी माइनस सी कर लो, ठीक, देखो बी माइनस सी कॉमन। अब जो हम कॉमन लेते हैं किसी रो या कॉलम से वो क्या होता है, डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, सो दैट मीन ए माइनस बी, देखो डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई हो गया बी माइनस सी ऐसा, ठीक। अब डिटरमिनेंट क्या हो गया आपका, दिस इज द, यहाँ से क्या मिल गया, वन वन सी, यहाँ से क्या मिल गया ए प्लस बी, यहाँ से बी प्लस सी, यहाँ से सी स्क्वायर, यहाँ ज़ीरो ज़ीरो वन इक्वल टू ज़ीरो ऐसा, राइट। सो वन प्लस ए बी सी, ए माइनस बी बी माइनस सी ऐसा, ठीक। अब देखो अब मैंने क्या कहा था, उस रो या कॉलम को लो सॉल्व करने के लिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो हो, ठीक। तो देखो हम इस थर्ड कॉलम को ले रहे हैं, इसमें देखो दो जीरो हैं, इसको लेकर हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसके एलिमेंट देखो, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ज़ीरो, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ज़ीरो, इसके एलिमेंट बचेंगे, तो इसके एलिमेंट देखो कैसे बचेगा, वन है तो वन इंटू, ठीक। डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखोगे देखो कैसे आएगा यहाँ पर ऐसा, वन ए प्लस बी वन बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो ऐसा, ठीक। सो दैट मीन वन प्लस ए बी सी, ए माइनस बी बी माइनस सी, ठीक। इसको सॉल्व करो कैसे करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी इक्वल टू ज़ीरो, राइट। सो वन प्लस ए बी सी, ए माइनस बी ए माइनस बी बी माइनस सी, और ध्यान दो यहाँ से, ठीक। तो ए प्लस बी प्लस सी
फिर माइनस, माइनस के साथ ए प्लस बी, राइट ना, ध्यान देना जब माइनस के साथ लोगे तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। अब यहाँ देखो क्या कैंसिल होगा, दैट इज़ द बी एंड बी कैंसिल, दैट इज़ द सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब ध्यान देना क्वेश्चन में क्या गिवन, ए बी सी आर डिफरेंट, ए बी और सी आपके क्या है, डिफरेंट है। ओके, ठीक है, देखो ये वैल्यू शायद आई थिंक स्क्रीन में नहीं आ रहा है, जिसको हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो वन प्लस ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, राइट ना, और क्या है आपका सी माइनस ए इज इक्वल टू जीरो, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ से क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी आर ऑल डिफरेंट, दैट मीन क्या होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, ए बी सी तीनों क्या है, डिफरेंट है। अब डिफरेंट है तो दैट मीन क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, नॉन जीरो होगा, बी माइनस सी भी क्या होगा, नॉन जीरो, सी माइनस ए क्या होगा, नॉन जीरो होगा, राइट। सो दैट मीन जीरो क्या हो सकता है, इस ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो तब होगा जब ये टर्म जीरो होगा, राइट भाई, ये तो जीरो होगा नहीं, ये भी जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी क्या है, डिफरेंट है, राइट। तो ऑब्वियसली अगर इसे जीरो करना है तो क्या जीरो होगा, ये जीरो होगा, सो दैट मीन वन प्लस ए बी सी इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो दैट मीन ए बी सी इज इक्वल टू माइनस वन, देखो यही आपको प्रूफ करना था, राइट, सब प्रूफ्ड। ओके, तो बच्चों समझ में आया ये, ठीक। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, तो आज हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी और हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, इसमें हम इसके कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और एनसीईआरटी के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक। ओके, चलिए तो पढ़ाई करते रहिए, चलिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।